Guys, I can see your you can put your answers in the group if you want now, okay? Yes, sir. Put your answers in the group. There are some really slow learners in the class, and it is nothing but a challenge to help them without offending their, without hurting their self-esteem. You know, you cannot say in their face that they're slow or something. It doesn't really help. But some students are really slow. Their language sense is very, very, I will say mediocre, very poor. Sir. Hello, Kekasha Bita. I can't see you. I would like to share with you guys one of the sentences in the group. Okay, Nishat, Renu, look at this sentence. Do you cost lipstick? Does it make sense to you? Do you cost lipstick? No, Kakasha Bita, you're not on camera. Are you there? Nishad, but I can't see you either. Okay. So, do you cost lipstick? Where is Sleka? How do I understand this sentence? Just give me a second. Hello. Yes, Manisha. मेरे मोबाइल में क्या है कैश मुझे नहीं पता, मेरे मॉम से पूछना पड़ेगा. मैं देख के पूछ के बताता हूँ, ठीक है? हाँ, कैश कैश चाहिए, मोबाइल से चलेगा? राइट 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 राइट, तो कैश देना होगा. तो मैं माँ से पूछता हूँ, बिकॉज मे बी मेरे पैसे मेरे ये मैं मोबाइल पे, ठीक है ना? तो मैं देखता हूँ, माँ से पूछता हूँ. ओके. नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, 2 सेकंड में बता देता हूँ. ओके, मैसेज कर देता हूँ मैं आपको. ओके, सिया. दादी से पूछे 1,000 रुपये कैश है हाथ में. हाँ, सुलेखा, आर यू हियर सुलेखा? मुझे ऐसे ऐसे सेंटेंसेस अवॉइड करवाने हैं आप लोगों से. ओके, डू यू सर, कॉस्ट लिपस्टिक? यस, शी हैज अ लिपस्टिक. बहुत अच्छा, शी हैज अ लिपस्टिक. डू यू कॉस्ट लिपस्टिक? हाँ, यस, गो ऑन, यू वांटेड टू से समथिंग. यू विल प्रैक्टिस लास्ट एट 10 o'clock. दिस इज करेक्ट. देखें, यू यू विल प्रैक्टिस लास्ट एट 10 o'clock. आई डोंट अंडरस्टैंड कास्ट, व्हाट डू यू मीन? मुझे बोलना था कि तुम प्रैक्टिस करो 10 बजे रात तक, लास्ट ये ऐसे ना दस करें. बजे आपने लास्ट. आपने जो पढ़ा है वही सी बोले, जो नहीं पढ़ा वो ना बोले, ठीक है? जो आपने सीखा है वो बोलिए. वो ये क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, बाबर अली क्या बोलता है कि मैं 8 बजे तक पढ़ाता हूँ, ही टीचेस अंटिल 8 o'clock.
Remember everyone? Babar Ali teaches until 8 o'clock. Right? Guys, can you यस remember that sentence? Babar Ali teaches until 8 o'clock. तो आप मुझे बताओ, यस आपने ये पढ़ा है फिर आप ये क्यों लिखेंगे? उसका मतलब क्या हुआ? 8 बजे तक पढ़ाता है, तो आप बोलेंगे हम लोग 10 बजे तक प्रैक्टिस करेंगे। विल प्रैक्टिस अंटिल 10 o'clock. अंटिल 10 o'clock. तो फिर ये क्या था? इससे क्या पता चलता है? रीजन हो पढ़ा सकता है हुआ का असर हुआ नहीं हुआ? नहीं नहीं हुआ। कैसे होगा? प्रैक्टिस बस एकमात्र रास्ता है। ओके हेलो विल प्रैक्टिस संयोगिता मैम। हाँ ओके कैश Okay, people, just a second. Uh-oh. Okay, where is this coming from, this noise? गुड इवनिंग सर. Yes, the noisy boy. Where is he? The noisy boy. Noisy boy, your mic. You mute yourself. You have to mute yourself. And if you want to talk, you can unmute yourself, okay? But don't sit there with your mic unmuted. Unmute it when you talk. Hello, Rishikesh. Welcome, Rishikesh. Anish. Noor. Atif. ऑल ऑफ यू। अच्छा बताओ बेटा, इस तरह फिर इस तरह के आप गलतियां करते हो, इससे क्या पता चलता है बेटा कि आपने जो सेंटेंस दिया ना उसका अपने लाइफ में इम्प्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन नहीं देखा कि आप कैसे यूज कर सकते हो। देखो, शी हैज अ लिपस्टिक, ओके, डू यू कॉस्ट लिपस्टिक? मैं क्या समझूं इसका मतलब? Oh, Kashif scolded his brother. I don't want to see you online so late night. ये टू नहीं चाहिए थे, पर इट्स ऑल राइट, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, नो प्रॉब्लम्स। ओके गुड इवनिंग सर. हेलो, ये मेरा आवाज जा रहा है सर ऋषिकेश? आई एम ऋषिकेश. आई कैन हियर यू ऋषिकेश, आई कैन हियर यू। बस कैमरे पे आ जाइए, ओके? बहुत अच्छे से सुन पा रहे, आई कैन हियर यू वेरी वेल। यस सर, सुनाई पड़ रहा है. अरे बस नया नथर यहाँ क्या कर रहा है, हटाओ। ऐसा नहीं होता, ओ किसी से सुन के अच्छा चलो इस क्लास में आ जाते ना, ऐसे थोड़ी होता है। सॉरी हसनैन अथर, यू कैन नॉट बी इन दिस क्लास। सॉरी, यू कैन नॉट बी इन दिस क्लास। सर ओके एवरीबॉडी, सेंड योर आंसर्स इन द ग्रुप नाउ।
And I will tell you, I will read everybody's answers and tell you how you guys have misunderstood some of the questions. Okay. I sent before half hour. I sent before half hour. I was sent before half hour. I sent, ma'am, Yes. I I sent. sent. जैसे मैं भेजती हूँ तो मैंने भेज, I नहीं was बस, sent. नहीं नहीं मैम, आपने आई इज सेंट, आई एम सेंट बोला है कभी? आई एम गो बोला है कभी? I sent. आई एम गो बोला है मैम आपने कभी? नहीं, सर. तो जब आई एम गो नहीं बोलते तो आई वॉज गो भी नहीं बोल सकते? मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? आई एम गो नहीं बोल सकते तो आई वॉज गो भी नहीं बोल सकते, ओके? तो आई वॉज सेंट भी नहीं बोल सकते। तो जब भी जैसे हम लोग बोलते हैं आई ईट, मैं खाता हूँ, आई स्लीप, मैं सोता हूँ, तो वैसे ही पास्ट में मैंने, मैं खाया, मैं सोया, कैसे बोलते हैं दोस्तों? आई He स्लेप्ट, was sent बोल आई सकते स्लेप्ट। हैं. नहीं मैम, प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। जैसे कोई एक वर्ब को करने वाला उसके पहले होता है दोस्तों, है ना? जैसे आप कहते हो आई ईट, तो ईट का काम आई कर रहा है, इसलिए आई पहले है। अगर मैं कहूँ ईट का काम ही करता है तो ही ईट्स। कनेक्शन समझते हैं? नहीं, सब्जेक्ट पास्ट और टेंस की बात जैसे होगी तो कल वो भेजा था. पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के लिए पास्ट फॉर्म होता है वर्ब का। एक वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है। एक वर्ब के पांच फॉर्म्स जानते हैं सब लोग? एवरीबॉडी नोज द फाइव फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। यस सर. सर यस सर. उसमें जो वी टू है ना, वो पास्ट फॉर्म है। आपने वो यूज करना है जब भी पास्ट की बात करनी है। जैसे अपने मैंने लिए दूसरे के लिए भी. सब सबके सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक ही वी टू। मैंने खा लिया, आई एट। एट. मैंने उसको पैसे दे दिए, आई गेव हिम द मनी। ओके, गेव, नो आई नीड टू गिव यूज हिम. पास्ट आई टेंस गेव, गिव. पास्ट टेंस गेव, राइट? एंड संयोगिता, मैम आई वॉन्ट टू शो यू द लिस्ट दैट आई बीन टॉकिंग अबाउट, गिव मी अ सेकेंड। सर, आई हैव अ क्वेश्चन. यस ऑफ कोर्स, ऑल क्वेश्चंस आर वेलकम। यस सर. सर, आई रिमेम्बर्ड, आई थिंक 1 month ago, you send me a WhatsApp message. You sent me a WhatsApp message and you wrote it down on message. I have been occupied. Yes, sir. So, That sir. sentence is a bit difficult, Renu, to understand and Yes, sir. explain at this level. Okay, I Okay, can sir. explain that separately to you, but Okay, these sir. students are not good enough at this level to understand and appreciate that sentence. But Okay. sir, why I on I only want ask you want to ask you, sir. Have been is used for since, sir, na? For or since? कोई जबरदस्त नहीं, I'm ऐसी little कोई bit बात नहीं, ऐसी confused. कोई बात, ऐसी कोई बात नहीं। वो बेसिक है, ओके सर. जब आप स्कूल ओके में सर. पढ़ते हैं तो वो चीज बताते हैं, लेकिन वो सच नहीं है, यस वो सर. इंटायर यस सच नहीं सर. है। वी ओके यूज सर. सिंस एंड फॉर विद हैव बीन, बट एक यूज में, बाकी और भी यूजेस ओके. हैं हैव बीन और सिंस, हैव यस बीन सर. के, एंड वहां फॉर और सिंस नहीं चाहिए होगा। दिस ओके, हेलो खुशलेखा। पेज इज वेरी लाइट इन माय बुक. हाँ, नो प्रॉब्लम्स मैम, नो प्रॉब्लम्स, जस्ट टेल मी योर प्रॉब्लम्स एंड आई हैव द सोल्यूशन। देयर यू गो। I सर, take आप सीन सिंस पॉइंट, after a class. You will tell me, sir, about it. हाँ आई विल, नो Okay, प्रॉब्लम। sir. Okay, sir. आई हैव सेंट अ लिस्ट ऑफ पास्ट फॉर्म संयोगिता मैम इन द ग्रुप, Okay, ओके? sir. Okay, एंड sir. जस्ट यूज Okay, द, I write down in the book एंड in जस्ट last यूज द week. पास्ट टेंस। हाँ, Okay. मैं शाम में सब्जी खरीदती हूँ। I bought. नहीं, मैंने कहा खरीदती हूँ। I nice been buy means खरीदना. I purchased. मैम, मैंने कहा मैं खरीदता हूँ, खरीद खरीदती हूँ, खरीदती हूँ. बाय आई परचेज. आई बाय. बाय बाय आई आई बाय बाय आई बाय, ओके? वेजिटेबल इन द इवनिंग. आई आई बाय वेजिटेबल आई इन द बाय इवनिंग. वेजिटेबल्स इन द इवनिंग, राइट? यस सर. आई बाय, यही दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है ना सबसे। बाय का यस सर. काम किसने किया? आई ने किया। आई बाय,
बाय मीन्स खरीदना, कहकशा बेटा बाय मीन्स खरीदना, कहकशा आई कैन नॉट सी यू वेरी वेल, जरा सा जस्ट टर्न द एंगल ऑफ द मोबाइल अ लिटिल बिट टुवर्ड्स योर फेस बेटा सो दैट आई कैन सी यू बेटर. ओके एंड निशात वॉज हियर, वेयर डिड शी गो? निशात ओके सी आयशा इज नॉट हियर, महफूज इज नॉट हियर, आई डोंट नो व्हाई लॉट्स ऑफ पीपल आर नॉट हियर. एक बात बताऊं, अगर आप वीक हो ना कैरेक्टर वाइज, आपको मुश्किल डर लग जाता है कोई भी सिचुएशन में जाने में, तो आपकी लाइफ ऐसे ही मुश्किल है बहुत, क्योंकि आप भागोगे हर जगह से. तो आज आप सबकी गलतियां सही करने वाला हूं मैं, तो सही करने के लिए तो आप रहोगे तो ज्यादा बेहतर बात कर सकते ना, एबसेंट होकर के थोड़ी आप कोई चीज कर सकते हैं. तो नॉट अ वेरी नाइस हेल्थी एटीट्यूड व्हेन दे सिंपली गो एबसेंट, दे शुड नॉट डू दैट, नोबडी शुड डू दैट. चलो लेट्स सी, पुट इन योर होमवर्क. ओके एवरीवन, पुट योर होमवर्क इन द ग्रुप. अमित राइट्स देर आर टू यूसेस, यस देर आर टू यूसेस, इट इज एन ऑफिस एंड इट इज प्रेजिडेंट्स होम. वेरी गुड इम्प्रूवमेंट. द प्रेजिडेंट एग्जैक्टली लिव, नहीं बेटा ये एक हमारी आदत है कि क्वेश्चन में जो वर्ड्स रहते हैं ना, हम उनको जबरदस्ती रिपीट करते हैं अपने आंसर में, ठीक है? अब वो एग्जैक्टली वर्ड क्यों है क्वेश्चन में, एग्जैक्टली वर्ड क्यों है क्वेश्चन में, लेट्स अंडरस्टैंड वेर एग्जैक्टली डज ही लिव. हम सब लोग जानते हैं, पहले ही पढ़ लिया हमने, दैट प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स लिव्स इन द व्हाइट हाउस, राइट? ही लिव्स इन द व्हाइट हाउस, तो व्हाइट हाउस में रहती है, तो पता चल गया. सवाल है वेयर एग्जैक्टली, व्हाइट हाउस में कहां पे रहते हैं? तो हमें आंसर में एग्जैक्टली क्यों बोलना पड़ेगा, बताना जरा. तो ये पुरानी आदत है, हम सोचते नहीं है इंग्लिश पे, जो वर्ड्स क्वेश्चन में रहते हैं उसको चिपकाना चाहते हैं आंसर में. ये एक हैबिट है, एक ओढ़ी हुई आदत, ये बच नेचुरल नहीं आपके अंदर, ये आपने इसको बनाया अपने अंदर, डाला है जबरदस्ती, स्कूल ने करवाया है कि जो जो वर्ड्स क्वेश्चन में रहे उसको चिपकाओ, लंबा सेंटेंस बनेगा, अच्छा लगेगा, ऐसा वाला सोच के. तो ऐसा ना किया करो, नेचुरल जवाब दिया करो. पूछा वेयर एग्जैक्टली डज ही लिव, मतलब पूछा गया कहाँ रहता है, तो मतलब सब जानते हैं व्हाइट हाउस में, तो वेयर एग्जैक्टली डज ही लिव इन द व्हाइट हाउस, वेयर एग्जैक्टली डज ही लिव इन द व्हाइट हाउस. तो जवाब क्या है दोस्तों, दूसरे और तीसरे फ्लोर पे, तो हमें बोलना है ही लिव्स ऑन द सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर्स. डू वी नीड द वर्ड एग्जैक्टली इन द आंसर? सपोज आई मीट समबडी ऑनलाइन एंड दैट दे आस्क मी, दैट पर्सन आस्क मी, हे विनय वेयर डू यू लिव? आई सेड आई लिव इन इंडिया. ओ इन इंडिया, वेयर एग्जैक्टली इन इंडिया? तो वो क्या पूछ रहे हैं कि इंडिया में कहाँ, वेयर एग्जैक्टली इन इंडिया, ओके या वेयर इन इंडिया, ओके वेयर इन इंडिया, वेयर एग्जैक्टली इन इंडिया? वेल आई लिव इन अ स्मॉल टाउन कॉल्ड बिहार शरीफ, इट इज 1,000 किलोमीटर्स फ्रॉम द कैपिटल दिल्ली. नाउ उनको जवाब मिला ना वेयर एग्जैक्टली का, वेयर एग्जैक्टली डू आई लिव इन इंडिया? आई लिव इन द इन इन अ टाउन कॉल्ड बिहार शरीफ, अ स्मॉल टाउन कॉल्ड बिहार शरीफ, एंड इट इज अबाउट 1,000 किलोमीटर्स फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली. सो नाउ दैट पर्सन हैज द आंसर, वेयर एग्जैक्टली आई लिव, ही अंडरस्टैंड्स वेयर एग्जैक्टली आई लिव, बट मैंने एग्जैक्टली वर्ड नहीं यूज किया, राइट? आई आंसर्ड. ओके तो दिस इज अ बैड हैबिट, अवॉइड इट एवरीबॉडी. Don't use the word exactly in your answer just because it is written in the question. Number three, where does the president work? Where does the president work? The president work. देखिए कितनी बड़ी गलती करी है आपने दोबारा में भी एक, मेरे प्यारे अमित, आपको बहुत फोकस करना है, बहुत ग्रो करना है. आपको गलती पता चल गई ना देखते के साथ, लेकिन खुद से नहीं है ना, होता है वो
आदत नहीं रहती. द प्रेसिडेंट वर्क नहीं, द प्रेसिडेंट वर्क्स, एवरीबॉडी नोज इट, राइट? एवरीबॉडी नोज. कहकशा बेटा, द प्रेसिडेंट वर्क्स नॉट वर्क, द प्रेसिडेंट वर्क्स, द प्रेसिडेंट वर्क्स इन द ओवल ऑफिस. वेरी गुड. वेयर डू स्पेशल गेस्ट स्टे? द स्पेशल गेस्ट स्टे इन द क्वींस बेडरूम एंड द लिंकन बेडरूम. वेरी गुड. देर आर सम लार्ज विंडोज. वॉट इज इन द ओवल ऑफिस? संयोगिता मैम, एवरीबडी मिस अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. एवरीबडी मिस अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. लेट मी शो यू. I haven't यस wrote it, सर. sir. I don't know this. जस्ट अ सेकेंड एवरी वन, टेक अ लुक एट द क्वेश्चन. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. वॉट इज इन द ओवल ऑफिस? सबने इनको इग्नोर कर दिया. वॉट इज इन द ओवल ऑफिस? एंड पीपल इग्नोर द वर्ड इन. संयुक्ता मैम ऑल्सो इग्नोर द वर्ड इन. शी रोट द ओवल ऑफिस इज Also, sir. प्रेसिडेंट्स I ऑफिस. always एवरी ignore it first time. a lot of people ignored in. I know the first time you also ignored in, right, Amit? So guys, what do you realize? English is very easy if you just focus hard. The problem is in is a very small word. You just ignored it. What is in the Oval Office? Now everybody will be feeling, I'm so silly, I'm so silly. ऐसा ही होता है, okay? ऐसा ही होता है. आप कुछ के बारे में नहीं, लेकिन मुझे पता भी सही होता. मैम क्या सोच रही हूँ, कह रही ये मेरे से कैसे हुआ यार, मैंने कैसे नहीं देखा इन वहां पे. सही था मैम. व्हाट इज इन द ओवल ऑफिस? आई कांट हियर यू. सही था मैम. यू आर, आई कांट हियर यू. आई डोंट नो व्हाई. नो, कांट हियर यू. You're not audible. You're not audible, ma'am. Your mic is not connected. Connected, sir. Yep. Yeah. Now I can hear you. In the Oval Office, the large bedrooms. No. Sayukta ma'am. Sayukta ma'am. Sorry. Hold on. Hold on. Hold on. एकदम रुक. देखो फिर से वही गलती हो गई. In the Oval Office, three large bed, windows. कैसे बोल सकते? Windows, नहीं बोल sir. सकते. No, नहीं बोल it. सकते. अगर हमने शुरुआत किया है इन द ओवल, इन द ओवल ऑफिस, तो हमको बोलना है तीन लार्ज विंडोज हैं. कैसे बोलते हैं तीन लार्ज विंडोज हैं? इट हैज देयर आर थ्री लार्ज थ्री विंडोज. लार्ज थ्री लार्ज विंडोज, ये तो पॉइंट था. विंडोज इन द ओवल ऑफिस देयर आर थ्री लार्ज विंडोज देयर आर देयर थ्री आर थ्री लार्ज विंडोज, राइट एवरीबॉडी? बिकॉज आप नहीं बोल सकते थ्री लार्ज विंडोज मतलब तीन लार्ज विंडोज हैं. तीन लार्ज विंडोज हैं बोलने के लिए क्या बोलना पड़ता है? लार्ज ओके महफूज, तुम अपने आप को आईने में देख, मिरर पे देख रहे हो ना वीडियो में? चलो बताओ क्या बात हो रही है हम लोग की. बताओ. इनके बारे में हाँ क्या? इनके बारे में सर हाँ बताओ ना, क्या था सेंटेंस हमारा, आखिरी सेंटेंस? चलो ये बताओ कौन से क्वेश्चन नंबर पे हम लोग, छोड़ो. क्वेश्चन नंबर वेरी गुड. क्वेश्चन फाइव नंबर 5. वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 5, राइट? क्या जवाब है बेटा महफूज उसका? व्हाट इज इन द ओवल ऑफिस? ऑफिस देखो ऐसे ऐसे करो बेटा, आईने में ऐसे ऐसे वीडियो पे देखो, देखो कितने सुंदर लग रहे हो तुम. देख रहे हो दोस्तों कैसे लोग अपना अपना अपने आप अपने आप के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, देख रहे हो ना? फोकस लैंग्वेज पे करने के जगह वो वीडियो देख रहा है. ऐसे कैरेक्टर को नार्सिसिस्टिक कहते हैं. क्या कहते हैं? नार्सिसिस्टिक, जो अपने आप में मगन रहता है. मेरा शक्ल देखो कितना सुंदर है, मेरी आवाज देखो कितनी सुंदर है. नार्सिसिस्टिक. महफूज इज नार्सिसिस्टिक. रिपीट द वर्ड.
नार्सिसिस्टिक नार्सिसिस्टिक। Who is the most narcissistic person in your family? People will say in my family they will say I am the most narcissistic. Atif, sir. Okay. Atif. Yes. He loves looking at in the mirror, huh? As I say, yeah. ये सब करते रहते हैं लोग अपने चेहरे के साथ, मतलब दे विल ऑलवेज लव टू लुक एट देमसेल्फ्स, नार्सिसिस्टिक पीपल। हाउएवर द वर्ड हैज अ डिफरेंट मीनिंग इन साइकोलॉजी। ओके, साइकोलॉजी में अलग मीनिंग होती है, बहुत बेकार आदमी होता है नार्सिसिस्टिक। ओके, खतरनाक। बट इन रियल लाइफ, डे टू डे लाइफ, नार्सिसिस्टिक मीन्स समवन हु लाइक्स देमसेल्फ्स अ लिटिल टू मच। समवन समवन हु लाइक्स देमसेल्फ्स अ लिटिल टू मच। बाय बाय सर। बाय बाय, यू आर गोइंग टू वर्क। यस सर। ओके ओके, वॉच द वीडियो लेटर बेटा। सर। ओके, सो दोस्तों फोकस हार्ड। ओके, लैंग्वेज हार्ड सही होता है मैम। वो हमने वो देयर इज देयर आर जो सीखा ना, वो अभी अंदर नहीं गया है बहुत। ठीक है, अंदर नहीं गया है, अंदर चला जाएगा तो फिर हम कभी नहीं बोलेंगे तीन विंडोज है ऐसे ही, हमेशा बोलेंगे तीन विंडोज है। इन द ओवल ऑफिस देयर आर थ्री लार्ज विंडोज लार्ज एंड विंडो देयर आर सम राइट, चेयर्स देयर आर सम चेयर्स एंड देयर आर सम पिक्चर्स वेरी गुड। एंड एंड देयर देर आर इज अ बुक देर शेल्फ इज अ इन द होल देर इज अ ऑफिस फायर प्लेस टू। देयर इज अ बुक शेल्फ सर नो सर देयर आर अ बुक शेल्फ देर आर सम बुक शेल्व्स, देर सम इज बुक शेल्फ या देर सर इज अ बुक शेल्फ। देयर ओके आर ओके, यस यस, सर कैन वी व्हाई स्पीक लाइक दिस इट हैज थ्री लार्ज विंडोज नॉट बेटा, सर व्हाई नॉट बेटा, ऑफ कोर्स वी कैन, ऑफ कोर्स वी कैन, राइट। लेकिन बेटा इसमें शुरुआत क्या हम लोग ऐसे करेंगे इन द इवनिंग हेलो सर शबनम, क्या इसमें शुरुआत ऐसे करेंगे जेबा, कि इन द ओवल ऑफिस इट हैज, ऐसा नहीं करेंगे ना। नहीं फ्लो देखो, फ्लो देखो, अगर किसी ने मुंह से निकाल दिया इन द ओवल ऑफिस तो सर बचा क्या बोलने के लिए। इन द ओवल ऑफिस क्या बचा बोलने के लिए, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। देर आर थ्री लार्ज विंडोज, इट हैज थ्री लार्ज विंडोज, कौन सा। देर आर थ्री लार्ज विंडोज, इन द ओवल ऑफिस ना बोले, इन द ओवल ऑफिस बोले ही ना। किसी ने पूछा व्हाट इज इन द ओवल ऑफिस, बोलिए इट हैज थ्री लार्ज विंडोज, राइट बेटा। और ये सब कब अच्छा, आप कब ज्यादा बेहतर सीख पाएंगे, जब आप रुक के बोलेंगे बेटा। ओके, इट हैज थ्री लार्ज विंडोज, और अप्रिशिएट करिए क्या पूछा जा रहा है, क्या बोल रहे हैं। ऐसी बातचीत हिंदी में भी होती है, इस बारे में सोचिए। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी नहीं सोचना, हिंदी नहीं करना। मैं कहता हूँ चिपकना नहीं है, लेकिन सोचना तो चाहिए हिंदी, कि हिंदी में क्या बोले। ऐसा थोड़ी कि हमेशा सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा ख्याल, वो अपनी मदर टंग में क्यों नहीं सोच सकते हमने क्या बोला है। ओके फाइन, नेक्स्ट। बहुत आदर सर ओके हाँ बेटा, व्हाई नॉट, सर नेक्स्ट। एवरीबॉडी, नंबर फाइव वॉज रॉन्ग फॉर एवरीबॉडी, एवरीबॉडी मेड मिस्टेक विद नंबर फाइव। एंड नंबर सिक्स सेज, What does each new president change? What does each new president change? Let's see what you guys have written. Each new president can change curtains, furniture, and a special and They a car can. special carpet. Very good, ma'am. चलो मेरे दीप, मेरे अमित, फिर से गलती के लिए तैयार हो जाओ। क्या लिखा है, व्हाट डज ईच न्यू प्रेसिडेंट चेंज, क्या जवाब होना चाहिए। कैन ही चेंजेस चेंज कैन चेंज, सर आप बोलो ही अमित क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सेंटेंस चेंजेस का अरेंजमेंट देखो।
कितना फॉल्टी है, समझ में आ रहा है? नहीं एक वर्ड की वजह से कितना फॉल्टी है, क्या होना चाहिए था अमित? एवरीबॉडी क्या होना चाहिए था? ईच न्यू प्रेसिडेंट चेंजेस, चेंज चेंजेस, पहले तो चेंजेस। चेंजेस और वो आप अभी भी अगर एस छोड़ते हो तो इसका मतलब आपको अभी और प्रैक्टिस चाहिए, जाहिर सी बात है, जब तक सही नहीं होगा यस प्रैक्टिस करते रहना है। ईच न्यू प्रेसिडेंट चेंजेस सर द कारपेट, द फर्नीचर एंड द curtains and कर्टेंस। curtains and curtains हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू free विजिट द व्हाइट हाउस, हाउ मच डज इट it कॉस्ट टू विजिट द व्हाइट हाउस? इट इज फ्री, is free for me it is इट डजेंट हैव एनी कॉस्ट टू विजिट, ये बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, इट्स ग्रामेटिकली करेक्ट, नो प्रॉब्लम्स। 250 पीपल, और बाद में जब बड़े हो जाओगे ना, समझ बड़ी हो जाएगी, तो इस सेंटेंस पे हंसोगे। सही सेंटेंस पे भी लोग हंसते हैं क्योंकि वो बच्चों जैसे अजीब जैसे बातें कर रहे होते हैं, इसीलिए सही गलत पे सोचते हैं सिर्फ। ओके, इट इज फ्री, इट डजेंट कॉस्ट एनीथिंग, इट डजेंट कॉस्ट एनीथिंग। आशी अनीश, व्हाट्स गोइंग ऑन अनीश? आई कांट सी यू एंड देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज कमिंग फ्रॉम योर साइड टुडे। अनीश, डू यू हैव पीपल अराउंड यू एंड यू आर नॉट ऑन कैमरा? अनीश, एंड यू आर नॉट ऑन कैमरा, टर्न योर, यू नो, टर्न योर कैमरा टुवर्ड्स यू, या दैट्स बेटर। ओके, I watch in laptop session. एंड कीप योर सेल्फ म्यूटेड अनीश इफ देर आर पीपल अराउंड यू टॉकिंग। Okay, नंबर sir. एट, हाउ मेनी पीपल वर्क इन द व्हाइट हाउस? 250 पीपल वर्क, पीपल्स ये क्या होता है? 150. 150 No, people. 200, 150 two people. hundred and There fifty are peoples. 150 people work. Two Yes, sir. hundred, two White hundred House. and fifty, 250. Oh, another 100 people work after the building day and night. ये क्या टोटल लिखा 350 है? यस यस मैम, दैट्स करेक्ट। नाउ अमित क्या लिखता है? ही कैन डू रिलैक्स, ही कैन डू रिलैक्स। सवाल था व्हाट कैन ही डू टू रिलैक्स, व्हाट कैन ही डू टू रिलैक्स? अगर मैं तुम्हें पूछूं, ओके, व्हाट कैन यू से इन इंग्लिश, तो तुम सेंटेंस बता के बताओ। आई कैन से दिस, आई कैन से दैट। तो व्हाट कैन ही डू टू रिलैक्स? ही कैन प्ले टेनिस। व्हाट कैन ही डू टू रिलैक्स? The president can play tennis, jogging, and swimming नो for नो his मैम, आई relax. आई आई डोंट लाइक टॉकिंग लाइक दैट। इट इज मोर लाइक, आप जो कर रही हैं वो बातचीत वाला टोन नहीं है मैम। अभी पहली बार आपने ऐसा किया है। ओके, यू शुड चेंज द वे यू आर टॉकिंग अबाउट इट मैम। यू शुड टॉक लाइक यू नो यू आर टॉकिंग टू समबडी। व्हाट कैन ही डू टू रिलैक्स? ही कैन He प्ले can do play टेनिस, tennis and he ही कैन goes गो to jogging जॉगिंग, and he watches movie. ही कैन He वॉच can play मूवी, tennis, he can go jogging and he ही कैन रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी, ही कैन, yes sir I write again this ओके, देर आर टू यूजेस ऑफ व्हाइट हाउस, बट वॉट आर दोज टू? ही लिव्स ऑन द सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर्स, ही वर्क्स इन हिज ओन ऑफिस। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अभिषेक, वो किसके साथ रहता है? अपनी पत्नी के साथ रहता है, ठीक है। मतलब ये बढ़िया आंसर, ही वर्क्स इन हिज ओन ऑफिस, ठीक है, बट ही वर्क्स इन द ओवल ऑफिस, विच इज द ओवल ऑफिस, हिज ओन ऑफिस इज कॉल्ड द ओवल ऑफिस, राइट अभिषेक? स्पेशल गेस्ट स्टे इन द क्वींस बेडरूम एंड द लिंकन बेडरूम, देर आर टू बेडरूम्स, बेडरूम्स लिखा आपने। वॉट इज इन दी ओवल, वॉट इज इन दी ओवल ऑफिस? देर आर टू बेडरूम्स, सीरियसली There are देर आर two टू stones. बेडरूम्स? No, वहां sir. दो बेडरूम्स हैं, आपने लिखा है देर आर टू बेडरूम्स। ये क्या नाम है उसका, ओवल ऑफिस में दो बेडरूम्स है? सॉरी, आई डोंट नो व्हाई यू रोट दिस। ईच न्यू प्रेसिडेंट चेंजेस कर्टन्स, न्यू फर्नीचर एंड कारपेट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अभिषेक, कैसे वहां लिखा है? कर्टन्स, न्यू फर्नीचर एंड द कारपेट, और द कारपेट, या नंबर 7, व्हाइट हाउस इज फ्री टू विजिट, हाउ मच डज इट कॉस्ट? फॉर विजिट लिखा है कि टू विजिट लिखा अभिषेक? टू विजिट, फॉर विजिटिंग वहां क्या लिखा है लिख दिया किताब में, गया क्या लिखा है?
सीखिए किताब से, ओके सीखिए. हाउ मच डज इट कॉस्ट टू विजिट? इट इज फ्री टू विजिट. इट इज फ्री टू विजिट द व्हाइट हाउस. द व्हाइट हाउस इज फ्री टू विजिट, ओके. हाउ मेनी पीपल वर्क इन द व्हाइट हाउस? देर आर 250 पीपल वर्क इन द व्हाइट हाउस. बताइए सेंटेंस इधर रुक के देखिए सब लोग. एवरीबॉडी लुक एट सेंटेंस नंबर 8. देर आर 250 पीपल. ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया. इसमें सब्जेक्ट है देर, वर्ब है बी. देर आर 250 पीपल. फिर वर्क जो लिखा है इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इस वर्क का सब्जेक्ट नहीं है, होना चाहिए सीधा 250 पीपल वर्क इन द व्हाइट हाउस. नो नीड टू यूज देर आर. सर सर 250 पीपल से बिल्कुल ना सर. पहले से सुना. ओके 250 पीपल वर्क इन द व्हाइट हाउस बेटा. आई विल एक्सप्लेन व्हेन आई रीड द टेक्स्ट. द न्यू प्रेसिडेंट चेंज अदीप, द न्यू प्रेसिडेंट चेंज और चेंजेस. चेंजेस सर, चेंजेस. ओके ओके देर आर 250 पीपल वर्क देयर. नो बेटा ये देयर की स्पेलिंग गलत लिखी आपने, THER E. यस यस ओके इसको सही करना तो हु लगाना पड़ेगा. देर आर 250 पीपल हु वर्क देयर. ओके अदरवाइज सीधा बोलो 250 पीपल वर्क देयर. 251 ना. टू फिफ्टी टू कर लो, उसकी वाइफ को भी गिन लो. नो सर, एक लेडीज थी ना. चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन. इसलिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उस बारे में फैक्चुअल होने में. ठीक है आप इस बारे में जितनी बातें करना है करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट दैट्स नॉट माई इंटरेस्ट. माई इंटरेस्ट इज द लैंग्वेज, नॉट कैलकुलेशन. ओके ओके ही लिव्स ऑन द सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर ऑफ द व्हाइट हाउस विद हिज फैमिली. वेरी गुड. ही वर्क्स इन हिज ओन ऑफिस, द ओवल ऑफिस. स्पेशल गेस्ट स्टे इन क्वींस बेडरूम और लिंकन बेडरूम. वेरी गुड. ओवल ऑफिस हैज थ्री लार्ज विंडोज बिहाइंड द प्रेजिडेंट्स डेस्क. देर आर पिक्चर्स ऑफ ओल्ड. ये कॉपी पेस्ट है लेकिन थोड़ा अच्छा भी लिखा है, थोड़ा अच्छा भी लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है एक्चुअली. इरशाद गुड जॉब. ईच न्यू प्रेजिडेंट चेंजेस देयर कर्टेंस फर्नीचर एंड कार्पेट. देर इज नो चार्ज, इट इज फ्री, बट ओनली 6,000 विजिटर्स कैन विजिट इन अ डे. बहुत अच्छे, आई लव इट इरशाद, बहुत अच्छे, वेल डन. देर आर 250 पीपल हु वर्क इन द व्हाइट हाउस. 150 ऑफ देम वर्क फॉर द प्रेजिडेंट एंड अनदर 100 पीपल लुक आफ्टर द बिल्डिंग. सब लोग देखो इरशाद का लिखने का अंदाज देखो. इरशाद पुट योर आंसर्स इन द ग्रुप. ओके सब लोग को एहसास होगा कि देखो समझदारी से कैसे बात की जाती है. ठीक है आप लोग ना उलझ गए थे सही गलत के चक्कर में. इरशाद को कॉन्फिडेंस नहीं देगा कि सही गलत में हो सकता हूँ, वो अपनी बात बताया जा रहा है. ठीक है तो हम लोग को यहाँ पहुंचना है धीरे धीरे मेहनत करके. इरशाद पहले क्लासेस किए थोड़ा बहुत, बट ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज वर्किंग हार्ड दिस टाइम. लास्ट टाइम ही वॉज नॉट वेरी अटेंटिव. इरशाद पिछली बार आप उतने फोकस नहीं थे बेटा. यू आर डूइंग ग्रेट दिस टाइम. देर आर मेनी थिंग्स टू डू. ही कैन प्ले टेनिस इन द टेनिस कोर्ट, ही कैन वॉच मूवीज इन द मूवी थिएटर, ही कैन प्ले गो बोलिंग. प्ले बोलिंग की जगह ही कैन गो बोलिंग. ओके प्ले को चेंज कर दो गो. ओके ही कैन गो फॉर अ वॉक, ही कैन गो फॉर अ वॉक एंड फॉर स्विमिंग टू. ही कैन गो स्विमिंग, फॉर हटा दो, ही कैन गो स्विमिंग टू. ओके फॉर नहीं, ही कैन गो स्विमिंग आसान है. एंड गुड जॉब, आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद द वे यू आंसर्ड. वेरी गुड जॉब. Aisha, are you here? No, Aisha is not attending the class today. The White House is the President of U.S. United States of Governments work. देखो क्या हो रहा है, कॉपी पेस्टिंग हो रही है. लंबा चौड़ा लिखा है, एक लाइन का आंसर था लेकिन नहीं. वो उसके करने के लिए, एक लाइन का आंसर करने के लिए पहले तुम्हें कॉन्फिडेंस बनाना होता है अपने वर्ड्स को कैसे अरेंज करना है इंग्लिश में. द व्हाइट हाउस इज प्रेसिडेंट वर्क. द व्हाइट हाउस इज प्रेसिडेंट वर्क. नहीं हो रहा सही. हाँ ये सही है, ही वर्क्स इन हिज ओन ऑफिस. बाकी प्रॉब्लम क्या है कि तुम लोग हिंदी के हिसाब से ही चलोगे. अभी फिलहाल अभी 6 महीने साल भर तुम लोग हिंदी के हिसाब से ही चलोगे, उसके बाद इंग्लिश को अप्रिशिएट कर पाओगे.
तो ठीक है, स्पेशल गेस्ट स्टे इन क्वींस बेडरूम। देखो ये कितना सही हो जाते हैं अचानक से आके, और कितना गलत हो जाते हैं यहाँ पे, पता है क्यों? हिंदी के हिसाब से वो इंग्लिश को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, वो हिंदी को दिमाग में रख के चल रहे हैं। ही वर्क्स, राइट, यही चीज यहां भी लिख सकते थे। प्रेसिडेंट वर्क्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इन द व्हाइट हाउस, एंड ही लिव्स विद हिज फैमिली। तो बस ये पहला हिस्सा सही कर सकते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, इफ शी वॉज हियर आई वुड हैव हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हर, बट जेबा, द प्रेजिडेंट लिव्स इन द व्हाइट हाउस, इट इज द व्हाइट हाउस बेटा, द व्हाइट हाउस, द प्राइवेट। बेटा ये बताना मुझे, ये सेंटेंस का अरेंजमेंट देखो, वर्ड का, और कैसे वर्ड्स चल रहे हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक कैसे जा रहे हैं। लेट्स सी, द प्रेजिडेंट लिव्स इन द व्हाइट हाउस, लगा कि बात खत्म हो गया। द प्रेजिडेंट लिव्स इन द व्हाइट हाउस, आगे आप लिखते हैं द प्राइवेट होम। ऐसा करते बेटा, द प्रेजिडेंट लिव्स इन द व्हाइट हाउस फुल स्टॉप, इट इज हिज प्राइवेट होम। Where he lives with his family on the second and third floors. It has three large windows and there is a fireplace. There are some pictures and some chairs and a big carpet. New president, change, spelling beta, spelling. आपने change और choose दोनों लिखा है। Yes, sir. I will क्या मतलब? correct, sir. Each new president chooses new curtains, new furniture, and a special new carpet. लेकिन सवाल था, what does he change? Answer? ये गलत जवाब है। The special guests stay in the east room. There are 150 people work in the White House. ये sentence कैसा arrangement सही हो सकता है बेटा? There are 150 people. 150 लोग हैं। Who work in the White House? जो काम करते हैं। Who? अगर हु नहीं डालना है तो ऐसे बोलो, 150 पीपल वर्क इन द व्हाइट हाउस, 150 पीपल वर्क इन द व्हाइट हाउस। काशिफ, द क्वेश्चन नंबर 5, काशिफ, एवरीबॉडी गॉट इट रॉन्ग एग्जैक्टली, व्हाट इज अननेसेसरी? Of course he works in the White House, but the question is where exactly? Where exactly? Number 7, the White House cost is free. मतलब क्या होता है? The White House cost is free. White House cost is free. ऐसा कोई सेंटेंस होता है? How much does it cost? आपके सेंटेंस में कॉस्ट वर्ब है। Does it cost? Does it cost? How much does it cost? तो आप लिखोगे इट कॉस्ट, अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो। जैसे मैं कहूं वेयर डज ही गो, ही गोज। हु डज ही टीच, ही टीचेस। उसके बाद ही जवाब देंगे आगे। वेयर डू यू लिव, आई लिव। नूर कैसे हो भाई, हाउ आर यू? फाइन सर। योर जॉन्डिस इज गॉन? नो सर, ये है। ओके, यू स्टिल डीलिंग विद इट? ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, इट गोज स्लोली, गोज अवे स्लोली, बट यू आर फीलिंग बेटर नाउ, यस सर। गुड। सो डिड यू सी अ डॉक्टर इन बिहार शरीफ? या ओके ओके, देखो दोस्तों, वो नूर की, नूर को जॉन्डिस हुआ था। नूर वहां क्या कर रहे थे बेटा, वहां क्या खा रहे थे? होम्योपैथिक, एलोपैथिक गांव में? होम्योपैथिक। ओके, एंड इट डिडंट क्योर, बट देन यू केम टू बिहार शरीफ, यू मेट अ गुड डॉक्टर एंड यू आर फीलिंग बेटर नाउ। डॉक्टर्स एंड टीचर्स, देयर एक्सपर्टीज मैटर, ओके, they have expertise. All doctors are not the same, all teachers are not the same. Some doctors know better, some teachers know better. That's important. Next sentence, there are 250 people work, sorry, हर चीज में देर आर, हर चीज में देर आर। हाउ मेनी पीपल वर्क इन द व्हाइट हाउस? हाउ मेनी पीपल स्टडी इन योर क्लास? यू कैन से देर आर 50 स्टूडेंट्स, ऑल राइट, 50 स्टूडेंट्स स्टडी इन आर क्लास, एक तरीका ये बताने, और देर आर 50 स्टूडेंट्स, लेकिन दोनों बात नहीं बोलना है। देर आर 50 स्टूडेंट्स स्टडी इन आर क्लास, नो, देर आर 50 स्टूडेंट्स इन आर क्लास, और 50 स्टूडेंट्स स्टडी इन आर क्लास।
please make sure it's not noisy from your side. Please, people, please make sure that they don't realize it, that it is noisy. Okay. And maybe one more person. Who was it? Nishat. Anish, I've read Anish's. Afreen. कुछ कुछ हो गया है बेटा प्लीज अंडरस्टैंड इस सेंटेंस का क्या मतलब होता है इट इज व्हाइट हाउस फ्री आपको अगर बोलना है व्हाइट हाउस फ्री है तो कौन से वर्ड्स बोलने पड़ेंगे आफरीन आफरीन वेयर आर यू हियर इन द क्लास निशात uh-huh I can't see Afreen Suhani yes only on the second floor beta it he lives on the second floor and the third floor right he works in the Oval Office special guests stay in the Queen's bedroom and what about the Lincoln bedroom beta aur ye kya likh diya beta aapne the Oval Office are in three large windows iska kya matlab hai beta The Oval Office are in three large windows. Oval Office में three large windows हैं. Three लगा तो इसलिए मैं R कर दी. Three large windows. अभी मैं आपको अगर कहूँ क्लास में तीन स्टूडेंट हैं तो कैसे बोलोगे? There are three students. अभी तो क्लास में तीन स्टूडेंट्स हैं. There are three students in class. बट आपने तो कुछ और लिखा दी ओवल ऑफिस आर इन थ्री लार्ज विंडोज अगर ऐसे लिखना होता तो पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा आप या तो चेंज करो इसको भी जब आपको सही पता है देर आर थ्री स्टूडेंट्स इन द क्लास तो यहाँ क्यों नहीं बोला ओवल ऑफिस में क्या है व्हाट इज इन द ओवल ऑफिस इन ओवल ऑफिस एंड एंड देर आर पिक्चर्स देर इज पिक्चर्स देर आर पिक्चर्स ऑफ ओल्ड प्रेसिडेंट्स and there is a famous desk and there is a famous desk what can each new president change president each new change kya kar rahe beta kya kar rahe ye each new president matlab beta each new president matlab जो भी नया प्रेसिडेंट आता है जो भी नया प्रेसिडेंट आता है हर एक नया प्रेसिडेंट राइट ईच न्यू प्रेसिडेंट मतलब बेटा जो नए प्रेसिडेंट आते हैं जो भी नया नया प्रेसिडेंट होता है ईच न्यू प्रेसिडेंट अच्छा बता बेटा ईच न्यू स्टूडेंट मतलब जो नए स्टूडेंट आते हैं हर एक नया स्टूडेंट हर एक नया स्टूडेंट स्टूडेंट Okay. Yes. Each new president. Matlab har ek naya president. Each new president. Usko aage piche kaise kar diye beta? President each new. आप समझ रहे हैं आप थोड़ा सा और प्रैक्टिकल होके सोचो बेटा थ्योरेटिकल खाली मत हो थोड़ा प्रैक्टिकल हो गलतियां होती ही रहेंगी बिना गलतियों के कोई नहीं सीखता ये उन लोगों को देखना चाहिए कि आप लोग जिस लेवल पर शुरू करते हो जो राय बनाते हैं क्लास के बारे में ठीक है क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी है तो उनको लगता है सब ऐसे ही होंगे अरे नहीं बहुत आसान होता है देखो कैन आई लीव द क्लास फॉर सम रीजंस ऑलराइट इम्तियाज President, the White House is open to visitors. It is free. ये फालतू का लाइन था क्वेश्चन था How much does the White House cost? सीधा जवाब है It is free. आप अगर आप सब लोग I hope आपने भेज दिया है अपना आंसर इरशाद Have you sent your answer in the group? Put your answer in the group so that people can read कि अच्छा समझदारी से कैसे बातें लिखते हैं
बात का एक दूसरे से कनेक्शन कैसे बनाते हैं. द व्हाइट हाउस इज आई विल से इन लुक लाइक वर्क अ अबाउट, क्या लिखा है द व्हाइट. तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, कि तुम हिंदी में, जैसे हिंदी में कोई बोलता है व्हाइट हाउस में, तो तुम लिखती हो व्हाइट हाउस इन. व्हाइट हाउस में का इंग्लिश क्या होता है सुहानी, सुहानी द बोलेगी. व्हाइट लेकिन तुमने तो हर जगह लिखा द व्हाइट हाउस इन, द ओवल ऑफिस इन. इन व्हाइट हाउस हाँ ये होता है, उल्टा होता है, राइट. तो गौर से देखा करो. और कोई चीज है उसके लिए देर इज देर आर बोलते हैं, राइट. तो प्लीज आपने दोबारा सही नहीं किया ना सुहानी, दोबारा लिखने की जहमत जहमत नहीं उठाई ना. आपको 100 रुपए का फाइन लगाते हैं, ठीक है, इस लापरवाही के लिए. आपके पैसे आज के आज ग्रुप में आ जाने चाहिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से, और नहीं तो मैं आपको मैं ग्रुप से निकाल दूंगा. ऑनलाइन नहीं यूज करती मतलब नहीं, आई एम नॉट, आई एम रियली अनॉयड, रियली अनॉयड. देखो दोस्तों, मैं उसकी मदद कर सकता हूं जो मेहनती है. सुहानी इज लेजी, उसने कल यहां लिख कर छोड़ दिया, उसके बाद उसने कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कि क्या होता है क्या नहीं. मुझे तो पढ़ना ही नहीं चाहिए था उसका आंसर. आई मेड अ मिस्टेक. आई कैन ओनली हेल्प दोज पीपल हु आर रेडी टू वर्क हार्ड. क्या जरूरत थी अमित को दोबारा लिखने की, क्या जरूरत थी साक्षी, क्या नाम है, निषाद को दोबारा लिखने की. मुझे नहीं पता था कहाँ कहाँ गलती हाँ, तुमको तो सही लग रहा था. देखो सुहानी, प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट. यू आर मेकिंग मी अनॉयड राइट नाउ. ओके, रिमेंबर वन थिंग, ब्यूटी इज दैट ब्यूटी डज, काम प्यारा होता है, चाम नहीं. ठीक है, मैं बहुत तुमसे मजाक करता हूँ, सब कुछ सही, लेकिन आज तुमसे अनॉयड हूं बिकॉज यू यू आर अ लेजी स्टूडेंट. तुमने पलट कर उसको देखा देखा तक नहीं कि तुमने क्या लिखा है ना, छोड़ दिया कल के बाद. अगर तुम देखती तो तुम्हें समझ में आता कि यू मेड सम मिस्टेक्स, और तुम्हें पता चलता कि क्या क्या गलत है. तुम अभी बोलती हो व्हाइट हाउस का इंग्लिश हो गया व्हाइट हाउस में, इन द व्हाइट हाउस, और ओवल ऑफिस में इन द ओवल ऑफिस, लेकिन वहां लिख दिया द ओवल ऑफिस इन. उसका वजह है, कल हम लोग प्रेशर में लिख रहे थे, जल्दी जल्दी लिख रहे थे, एग्जाम क्लासरूम में टेस्ट जैसा फील हो रहा था. ऑब्वियसली देर आर मोर मिस्टेक्स व्हेन यू फील प्रेशर, बट एट होम एवरीबॉडी इंप्रूव, सब लोग अपना इंप्रूव किया है. ओके, तो इससे ये पता चलता है कि आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा अगर आपको इंग्लिश जल्दी सीखनी है तो. सुहानी, आई एम नॉट हैप्पी विद योर एटीट्यूड, दिस एटीट्यूड. यू डिड नॉट राइट अगेन सुहानी, यू डिड नॉट ट्राई टू करेक्ट योर मिस्टेक्स. एंड रिमेंबर दिस, आई लाइक माई स्टूडेंट्स, बट वेन दे डोंट वर्क हार्ड आई डोंट माइंड क्रिटिसाइजिंग दम, आई विल क्रिटिसाइज दम. एंड सुहानी, यू यू मेड मी अनॉइड विद दिस लेजी एटीट्यूड. You know, you are a good student. If you work hard, you learn so much faster and better. But you are not working hard. बताओ मुझे, कल से तुमने क्लास छोड़ने के बाद किस समय बैठ के अपने आंसर को देखा था? मॉर्निंग क्या देखा था तुमने? में पहले मैं ये आंसर देखी, फिर उसके बाद पीरी बुक वाला में पढ़ी थी। देखो, जैसे बताता हूं, तुम स्मार्ट हो, अगर तुम चाहोगे तो तुम बेहतर कर सकते हो. क्या चाहिए था तुम्हें? टेक्स्ट को फिर से पढ़ना 2-3 बार, फिर अपने आंसर देखना. क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपने आंसर लिखना बिना पढ़े, एक बार और लिखनी और फिर मैच करती कि क्या मैंने वही आंसर लिखा, इस बार अलग लिख दिया. ऐसा करना चाहिए था तुम्हें, उसके बाद पढ़ना चाहिए था. जब तुम पढ़ी ना तो तुम इन्फ्लुएंस हो गई, तुम्हें फिर लगने लगा वो सही है. अगर तुम पढ़ के दोबारा 2-3 बार खुद से आंसर करती, फिर आंसर मैच करती, तो तुम्हें दो अलग अलग आंसर दिखते कुछ जगह पे. कह रहे मैंने वहां ये लिखा, यहाँ ये लिखा, ऐसा कैसे? तो मेरा दिमाग किसको मान रहा है सही? फिर आता तुम्हारा डिसीजन लेने का ये टाइम. तुमने वो सब कुछ नहीं किया बेटा. ओके, प्लीज टेक योर स्टडीज मोर सीरियसली सुहानी. ओके, विदाउट थिंक थिंक सुहानी, थिंक ऑफ अ डॉक्टर हु डजंट नो इंग्लिश. थिंक ऑफ अ डॉक्टर इन इंडिया हु डजंट नो इंग्लिश. इमेजिन यू बिकम अ डॉक्टर, इमेजिन यू क्रैक NIIT. ओके, एंड देन यू डोंट नो इंग्लिश, कैसी डॉक्टर बनोगे तुम जिसको इंग्लिश नहीं आती? थिंक अबाउट इट. ओके, सो प्लीज टेक योर इंग्लिश मोर सीरियसली बेटा. ओके, आई एम गोइंग टू गो टू सना 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 सना, वेर इज योर होमवर्क सना? अंशूज, हैव आई रेड अंशूज? हाँ सर, आई रूट बट इन ग्रुप। अच्छा एक बात बताना, ये वाला पढ़ना तो नंबर 6 में, ईच न्यू प्रेसिडेंट
चेंजेस सर न्यू कर्टेन्स. टुडे आई सेंड इन ओके ओके ग्रुप. बेटा, ओके ओके बेटा, ओके ओके. सुलेखा आपके टेंशन का कोई, आपके आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सही जा रही हैं. बस आपको खाली एक सवाल पूछना है, रुक जाइए. स्नेहा सुलेखा ये क्या है, डू यू कॉस कॉस लिपस्टिक, क्या लिखना चाह रही थी सुलेखा? डू यू कॉस लिपस्टिक, क्या इसका मतलब, आप क्या लिखना चाह रही थी? यस, हेलो. क्या लिखना चाह रही थी सुलेखा? व्हाट डिड यू वांट टू राइट, व्हाट डिड यू वांट टू राइट? लिपस्टिक कितना ये लिपस्टिक कितने का है? का? अच्छा, इसमें यू डू यू क्यों है? किताब दिया है ना मैंने, आपके पास किताब है ना मैम, यस जरा देखे तो यहां ये क्या लिखा है. सर. ऑडियो फाइल है, बुक है, देख रहे हो दोस्तों किस तरह से इग्नोर किया जा रहा है पढ़ाई को. सुलेखा कैसे काम चलेगा बताओ आप, क्रिटिसिज्म तो चाहिए होगी इस पे. सर आई कैन लीव फॉर 2 मिनट्स. या श्योर. ओके. यस सुलेखा सर. व्हाट आर यू डूइंग, सुलेखा यहाँ क्या लिखा है, हाउ मच इज दिस लैम्प, पढ़ाया मैंने 2 दिन पहले, आप थी, रिकॉर्डिंग देखा होगा आपने, हाउ मच इज दिस लैम्प, ये लैम्प कितने का, और आप लिपस्टिक कितने का है, डू यू कॉस्ट लिपस्टिक लिखेंगी आप, और वो हो गया लिपस्टिक कितने का आपके हिसाब से, कौन सा वर्ड वहां लिखा हुआ, कितना कॉस्ट हो गया तो कितने का हो गया, यू क्या है वहां पे, ऐसे नहीं करते सुलेखा. ठीक है, समझिए आप लिखने के जगह सबसे पहले पढ़िए, यस सुनिए और समझिए. ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे नहीं तो आप. सुलेखा सर. आपके लिए मेरे पास अलग एडवाइस है. यस सुहानी, मैं बोल रहा हूँ मैंने ये जो कॉन्टेबल ना हूँ ना, अब मुझे अनकॉन्टेबल विच विच वर्ड बेटा, मैंने यू कॉन्टेबल नाउन के साथ विद कॉन्टेबल नाउन हूँ. कैन समबडी हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग, बिकॉज आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग. मैंने यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ ना, और मच अनकाउंटेबल नाउन ओके ओके, भूल जाओ जब तक मैं कोई चीज ना पढ़ाऊं, अपने दिमाग में नहीं लाना वो सब बकवास. ठीक है, क्योंकि सब चीज सही है लेकिन उसका एप्लीकेशन सही नहीं होता. अब सुनो, तुम्हें कुछ पूछना है सर, ये आप बाजार गए, आपने एक शर्ट देखा, आप का. कैसे पूछेंगे शर्ट कितने का है? हाउ मच इज इज दिस दिस, शर्ट, हाउ मच इज दिस, हाउ हाउ मच मच इज इज दिस शर्ट, ओके हाउ मच इज दिस एवरीबॉडी शर्ट. प्लीज, और मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस क्यों नहीं करते आप लोग, स्टार्ट योर प्रैक्टिस. ओके, प्रैक्टिस इज सो इंपॉर्टेंट, इफ यू डोंट प्रैक्टिस आपके साथ ऐसा ही होगा, आप ध्यान से निकल जाएंगे चीजें आपके. अरे ओके नाउ यार. लेट्स गो. निशात, निशात, आई वेयर इज योर आंसर निशात? अच्छा बताना जरा, ये अंशु ये सेंटेंस लास्ट वाला पढ़ना तो बेटा, ही कैन डू प्लेज टेनिस, मतलब बेटा आपसे एक सवाल पूछता हूं, प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है खाली समय में रिलैक्स करने के लिए? अंशु Not here, sir. He leaves the class 2 minutes. नॉट हियर, ओके शी नॉट हियर, ओके ओके, हम लोग जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, कि वो टेनिस खेल सकता है.
कैसे बोलेंगे ही बेटा? कैन प्लेस टेनिस, ही ही कैन कैन प्ले प्ले, टेनिस, ही कैन प्ले, सही था मैम, ही कैन प्ले, ही कैन ही प्ले, कैन ओके, प्ले ही कैन प्ले टेनिस एंड ही प्ले टेनिस, प्ले, ही प्ले, कैन प्ले कैन प्ले, ठीक, प्ले टेनिस, ही कैन प्ले प्ले, ही टेनिस, प्लेज नहीं हो सकता, ही कैन कैन प्ले प्ले, ही कैन टेनिस, प्ले, ओके, ही ही कैन कैन प्ले, ही कैन प्ले टेनिस, कैन प्ले टेनिस, गोज फॉर जॉगिंग, ही कैन गो जॉगिंग, ही कैन गो जॉगिंग, ही कैन गो जॉगिंग, ही कैन प्ले, ही ही कैन गो जॉगिंग, गो फॉर राइट, जॉगिंग, गो जॉगिंग, गो जॉगिंग, ही कैन प्ले, गो जॉगिंग, कैन गो जॉगिंग, गो फॉर स्विमिंग, ही कैन गो स्विमिंग, मैम, ही कैन गो स्विमिंग, बट राइट आई कैन वी राइट सर, ही कैन बार बार आहा मैम, यही हाँ सब प्रॉब्लम है। क्या होता है ना कि हम लोगों ना पहले बड़ा बना दिया जाता है, बचपन से पहले बड़ा, ठीक है। हाँ हम समझते हैं आप जो कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेपिटिशन अवॉइड करना चाहिए। तो क्या हम, अच्छा एक बात बताएं संयुक्ता मैम, हमने जब जोड़ घटाव सीखा था, ठीक है, तो क्या वहां पर नंबर लाइंस नहीं खींचे थे हम लोगों ने? खींचे थे ना लाइंस जोड़ घटाव करते समय, आज करते नहीं हैं। तो अगर कोई नहीं बच्चा ये बात बोल दे कि आप लोग नहीं करते, हमको क्यों करवाते हो लाइन खींचने वाला काम, तो क्या कहोगे आप? खासकर वो बच्चा जो बार बार गलत आंसर दे रहा हो, जोड़ने में गलत कर रहा हो, और क्योंकि वो नहीं लिखना चाहता, वो लाइंस नहीं लिखना चाहता, वो 8 5 14 कर देता है, फिर 12 कर देता है, और आप कहते हो लाइन खींचो ना आसान हो जाएगा, वो कहता है आप लोग नहीं खींचते हो, हम क्यों खींचेंगे, आप बड़े लोग नहीं खींचते हो। क्या जवाब है आपके पास? मेरे भैया तो नहीं खींचते, वो तो ऐसे ही कर लेते हैं, तो क्या बोलोगे? नहीं हो पाएगा सर, इससे मतलब या राइट आंसर निकला, प्रैक्टिस, और तो उसका ही कैन जवाब, प्लेज नहीं हो सकता, ही कैन गो इसका इसका नहीं, मैं बताना चाह रहा हूं कुछ, प्ले, मैं उसके उस सारे सवाल के जवाब देता हूं बारी बारी से। सबसे पहले ये बात कि आपने कहा कि कैन कैन बार 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 बोले हम, हाँ बोलिए, क्या कहते हैं अगर मैं बोलो? अच्छा सुनिए, मुझसे पूछा किसने, व्हाट कैन यू डू, ओके व्हाट कैन यू डू, लिसन, इफ वी राइट इन वन सेंटेंस देन वी आई कैन आई विल लीव आई विल राइट दिस टाइप बट मोर थिंग्स ही डू ही डज हाउ कैन बी राइट आई, ही कैन प्ले टेनिस, ही कैन गो जॉगिंग, ही कैन रीड बुक्स, ही कैन डू दिस, ही कैन डू दैट। अगर मैं बोल रहा हूं तो कहीं किसी को अननेचुरल लग रहा है ऐसा बोलना? नहीं लग रहा ना आप लोग को अननेचुरल, इसलिए लगता है क्योंकि आप इंटोनेशन सही नहीं रखते। और हाँ वो जो फॉर्मल इंग्लिश है ना वो बाद में आएगी। अच्छा एक बात बताएं, एक बच्चा पहले घर की बात करना सीखेगा एक दूसरे से, बाद में बात करेगा भारत आजाद कब हुआ था, इस बारे में डिस्कशन होगा। तो फॉर्मल लैंग्वेज जो आता है वो थोड़ा देर बाद आता है, पहले इनफॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्सेशन। हाँ प्ले टेनिस, गो जॉगिंग, गो स्विमिंग, गो बोलिंग, आपको याद है दोस्तों यूनिट 3 में, पिछले यूनिट में पढ़े हम लोग, यस सर, तो ओके वो कितना बार जा रही है भी, उसको बुलाओ ना, उसको बुलाओ, ओके। रेनू, हैव आई रेड योर आंसर्स रेनू? यस सर, यस्टरडे यू ऑलरेडी रेड सर, बट ओके आई डिडंट सेंड टुमारो सर, टुडे मैं आप सबसे कहूंगा सॉरी सर, हमेशा टुडे हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, बिकॉज मेहनत इज योर ओनली फ्रेंड विच विल हेल्प यू, नथिंग एल्स विल हेल्प यू। ओके नाउ टेल मी, एक्सरसाइज 5, दीज नंबर्स रेफर टू समथिंग इन द टेक्स्ट, दीज नंबर्स आर फ्रॉम द टेक्स्ट, ओके, दीज नंबर्स वर इन द टेक्स्ट, डू यू नो वॉट दे आर अबाउट, वॉट दे रेफर टू? 50, वेन यू रेड 50 इन द टेक्स्ट, देर वॉज द नंबर 50 इन द टेक्स्ट, वॉट वॉज इट अबाउट, कैन यू टेल मी? 50 50 ये सेंटेंस है, स्टेट्स, देर आर 50 स्टेट्स, देर आर 50 स्टेट्स इन द व्हाइट हाउस, स्टेट्स, द व्हाइट हाउस इज कंट्री ऑफ, द नो व्हाइट हाउस इज अ कंट्री ऑफ 50 स्टेट्स। मैंने अपना सेंटेंस बोला, कोई दिक्कत है क्या? सर, ओके 304 मिलियन,
million people live in the White House. Now live in the US. अनदर ऑप्शन कुछ और तरीके से ये बात बताने का मन कर रहा है आपको? आपके मन में कोई और सेंटेंस आ रहा है क्या? जैसे 304 million स्टेट पीपल गवर्नर ऑफ पीपल स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट गवर्नर्स ऑफ सॉरी सॉरी कॉपी पेस्ट कभी मत करना सुहानी, जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो दूसरे को मत सुनाओ। तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें समझ नहीं आता है, तुम्हें इंग्लिश सीखने के लिए कहा गया है, तुम जो खुद समझ नहीं पा रही वो बता रही हो। हाँ के ना सुहानी, अभी तुम्हें पता भी नहीं चल रहा तुम क्या पढ़ रही हो। सच बताओ, आंख बंद करके बताओ क्या पढ़ रही थी? आंख बंद करके बताओ, आंख बंद करो अभी और बताओ क्या। 304 million यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं। तो ये बात बोलने के लिए इंग्लिश में कौन कौन से शब्द की जरूरत है बताओ? 304 million इन लिव इन यूनाइटेड स्टेट। पीपल लगा दो, 304 million पीपल लिव इन द, ये हो गया ना। अब वो जो गवर्न वर्ड बोल रही थी, अब बताओ कहां से आ रहा था वो तुम्हारे दिमाग में? पता है वो दिमाग में तो आ ही नहीं रहा था, वो तो बस कॉपी पेस्ट कर रही थी तुम नीचे से। दिमाग में जो आए वो तुम्हारा है दोस्तों, ठीक है? और बोलो कोई और तरीके से बोलो, कुछ और किसी और के दिमाग में आ रहा हो तो। 304 million दिमाग में, अगर कुछ आ रहा है तो दिमाग में आना चाहिए, हिंदी में, हिंदी में दिमाग में आ रहा था। 304 people live there. फिर से बोलना बेटा। There are 304 एंड फोर million मिलियन people. 4 million people live there. नहीं बेटा, नहीं बेटा, हु बीच में हु, यही तो सारे लोग की गलती हो रही है। Yes. देर आर थ्री Who हंड्रेड एंड फोर मिलियन पीपल हु live? लिव इन द यूएस। ओके, हालांकि हालांकि ये अच्छा नहीं है, लंबा चौड़ा हो जाता है, अननेसेसरी बेटा। इट्स बेटर टू से द पॉपुलेशन ऑफ द यूएस इज 304 million। 300 फुट क्या ये आसान वो नहीं तो है सेंटेंस? द पॉपुलेशन ऑफ द यूएस इज 304 million। गाइस, इफ 304 million पीपल लिव इन द यूएस, इट मींस द पॉपुलेशन इज 304 million। सिंपल एंड इजी। नेक्स्ट, द नेक्स्ट नंबर इज, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर बेटा? 6000। 6000 there are 6000 people visit White House. देर आर सब में, देर आर, अगर आप लोग देर आर को फॉर्मूला बनाए हुए हो तो गड्ढे में गिरोगे। आपके मन में कोई बात आनी चाहिए, उसके बाद आपको बोलना है उसको इंग्लिश में। 6000, 6000 people a day visit ओके, in White House. सिक्स थाउजेंड पीपल विजिट द व्हाइट हाउस एवरी डे। ये नहीं आ रहा आपके दिमाग में दोस्तों? 6000 पीपल विजिट द व्हाइट हाउस एवरी डे। नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर 132। गो ऑन। देर आर 132 रूम्स इन व्हाइट हाउस। देर आर 132 रूम्स। देर आर 130 रूम्स इन द व्हाइट हाउस। इन द व्हाइट हाउस। ओके बेटा, there are 132 rooms in the White House. Absolutely correct. In the White House, there are a lot of rooms. It has 132 rooms. Yes, yes, it has 130. Abhishek, repeat कर लीजिए. There are a lot of rooms and it has 132 rooms. अब इसको हिंदी में सोचते हैं अभिषेक, आप सही बोल रहे हैं, हिंदी में सोचते हैं। व्हाइट हाउस में बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन वहाँ वो 132 रूम। Absolutely correct. Yeah, the White House has a lot of rooms. In total, there are 132 rooms. In total, there are 132 rooms. Very good. What is the next number, Peter? Next number is 35. 35. There are 35 bedrooms in the White House.
35 bedrooms are in the white 35 bedrooms bathrooms in the White House. Sanyukita ma'am, only Sanyukita ma'am. Yes sir. 35. Sir, you didn't send me this question, sir. Out of 134. Yeah, I know. Nobody had this question. Only now. We are doing it now. We are doing it now. 35. Isn't this number comes to your mind? 35? Yes, Sanyukita ma'am. There are 35 bathrooms in the White House. Very good. In the White House, there are 35 bathrooms. Next number is 6, I think. No, sir, 5. Next number is five. And 5 kitchens. There are five kitchens in the White House. Yes, in the White House there are total 5 kitchens, guys. Okay. And the last next number is 6. Six floors. Ma'am, aapne kaha on six floors. Iska answer hoga 6 ka. There are six floors in the White House. Oh, lovely, very good. I just wanted you to think it simple way. पीछे से क्या दिमाग में आता है? तो White House में 6 floors हैं, यही ना? Yes, sir. The White House has six floors. Or there are 6 floors in the White House. Okay. The White House is a building with six floors. My house is a building with only 3 floors. Your house? 1 floor. Okay, like that. Next. 140 guests a seat. 140. 140 guests sit on dining room. होना चाहिए. The state dining room is big enough for me. Yes, everybody. 140. ये number क्या remind कराता है आपको? क्या दिमाग में लाता है? What comes to your mind? Yes. The dining room guest for 140. क्या फिर से बोलना सुहानी? Say it again. The dining room is guest for 140. अच्छा बेटा बेटा the dining room is guest. इस sentence का क्या मतलब निकलता है? The dining room is guest. For guest. देखो तू बंद छोड़ तेरा दरवाजा बंद. तो आप बोलो ना the dining room is for 140 guests. Guess for 142 की 442 guests. ये ऊपर आगे पीछे कैसे करते हो? ये आगे पीछे कैसे करते हो आप? The White House. Sorry. In the White House. हाँ. In the White House, there are 140 guests for dining room. No, sorry, ma'am. आप हिंदी में बताएं मुझे. आप हिंदी में बताएं. 142 तो क्या आया आपके दिमाग में? Hold on, आतिफ. Hold on. संयुक्ता मैम, क्या आया दिमाग में आपके हिंदी में? हिंदी में बताइएगा. मतलब state dining room में कम से कम 140 guests रह सकते हैं. अच्छा, डाइनिंग रूम में रहते नहीं है? हाँ, कह सकते हैं, खाना खा सकते हैं एक साथ. ठीक है, 140 लोग एक साथ खाना खा सकते हैं. गाइस, यस सर, इजी बोलिए. 140 गेस्ट कैन ईट टुगेदर. 140 गेस्ट कैन ईट टुगेदर इन द डाइनिंग रूम इन द स्टेट डाइनिंग रूम इन द स्टेट डाइनिंग रूम राइट. 140 गेस्ट ईट्स इन द स्टेट डाइनिंग रूम. Yeah, all right. 142 guests. 32. 32 or 42, guys? 40. 40. 40. 140 guests can eat together in the white in the state dining room. Okay. Ek aur tarika se likha hai. The state dining room is big enough for 40 guests. The state dining room is big enough for 140 guests. Okay. So let's read the text. Or maybe I will read the text tomorrow. I want you guys to do another activity.
अच्छा, एक्सरसाइज सिक्स इज फॉर योर पेयर प्रैक्टिस। पेयर प्रैक्टिस, पेयर प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग? आर यू गाइज डूइंग योर पेयर प्रैक्टिस? हर दिन का पेयर प्रैक्टिस दे रहा हूँ ग्रुप में। चुप मत रहो, प्लीज गिव मी योर कंफर्म आंसर कि यस आई एम डूइंग इट, आई एम नॉट डूइंग इट। सर, यस्टरडे आई एम नॉट आई वाज नॉट क्लास खत्म डूइंग होते के साथ कर लो आप लोग, क्लास खत्म होते के साथ कर लो, द बेस्ट थिंग। ओके, द मोमेंट द क्लास इज ओवर यू गाइस स्टार्ट योर प्रैक्टिस कि चलो कर लेते हैं। ओके, एंड आई वांट टू टेल यू, इफ यू हैव जूम तो यू कैन अरेंज, यू नो व्हाट यू कॉल इट, यू कैन होस्ट द मीटिंग। ओके, आतिफ म्यूट योरसेल्फ, योर माइक इज वेरी नॉइजी। यू कैन होस्ट अ मीटिंग एंड यू कैन इनवाइट अ पर्सन for practice, okay, and this will continue for 40 minutes, this meeting face to face on Zoom, by the way. Okay, you can invite other आईडी people too. पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है ना सर? You can share the password and ID. There is an option to share the link with somebody and you can do that, and it's easy, but I think WhatsApp is even easier. WhatsApp or Telegram video calls, right? Face to face, you are sitting and practicing. So what is the practice? Talk about the White House. Talk about the White House. And कैसे सवाल पूछेंगे? पहला सवाल है, what is the first question? Is there a swimming pool? Is there a swimming pool? Is there a swimming pool? Yes, there is. Yes, there is. Yes. Outside the White House, right? Yes. Next. Is many there offices many question many offices ऐसे is ऐसे there क्वेश्चन many is there many पूछोगे offices तो hey, is there many offices are there many offices are there sorry support answer are there yes many there offices are yes there is offices yes there are दिखा है yes there offices are yes there are yes there yes there many are bathrooms are many there many bathrooms Are are there many main bathrooms? bathroom Yes, yes there are. there are अब Yes, पूछ दे कितने कितने there are. ask कितने How many bathrooms are there? how many bathrooms are there There are international 35 संयोगिता मैम bathrooms. संयोगिता Yes, मैम there are आपकी जो 35 हेलो 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 bathrooms. हेलो हेलो आप Yes. लोग को अपने बोलने का जो टोन है ना वो लिंक करना होगा पीछे वाले सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से। मैं सुनो सुनो मैं क्या बोलता हूँ आपको, दो लाइन है, आप क्या करते हो ठीक है, ये आप कहाँ रहते हो ठीक है, तो ये वेयर डू यू लिव होता है, इसका मतलब सब जानते हैं वेयर डू यू लिव। अब सुनो, दो लोग मिलते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं, तो पहले वो दोनों लोग हैं संयोगिता मैम और अभिषेक, तो हाँ अभिषेक शुरू करेंगे, अभिषेक पहला सवाल पूछेंगे, वेयर डू यू लिव संयोगिता मैम, वेयर डू पूछे। यू लिव संयोगिता मैम आई लिव इन रांची और आप पलट के बताओ तुम कहाँ रहते हो अभिषेक? एंड वेयर आर यू एंड लिव यू वेयर आर यू लिव आर नहीं था वेयर मैम, डू यू वेयर लिव वेयर डू डू आई वेयर लिव डू मौनी एंड वेयर एंड वेयर डू यू लिव डू यू लिव अदीप, योर इंटरनेशन आई डिड वाज नॉट वेरी नाइस बेटा, बिकॉज यू यू शुड बी सेइंग और आप कहाँ रहते हैं, है ना, और आप कहाँ रहते हैं, लिव एंड वेयर डू यू एंड लिव। वेयर डू यू आई लिव लिव इन पटना आई हाँ, लिव इन पटना थैंक यू वेयर थैंक यू। द डू पॉइंट वाज दोनों ने एक ही सवाल पूछा था, वेयर डू यू लिव वेयर डू यू लिव, लेकिन यू एक का इंटोनेशन लिव दूसरा अलग था पहले के इंटोनेशन से, पता है क्यों? क्योंकि ये यस सर रिएक्शन में सवाल पूछा जा रहा है और वो अपने तरफ से पूछा जा रहा है, डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? अभिषेक ने अपने तरफ से पूछा मैम संयुक्ता मैम वेयर डू यू लिव, तो संयुक्ता मैम ने जवाब दिया और साथ में पूछा तुम कहाँ रहते हो, हम तो बता दिए तुम कहाँ रहते हो, तो ये इंटोनेशन बदल गया इस वजह से। तो एक ही सेंटेंस वेयर डू यू लिव एक टोन में नहीं बोला जाता, यानी कि सर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग इंटोनेशन की जरूरत होती है, और ये तब समझ में आएगा जब आप पिछले लाइन को एक्नॉलेज करोगे कि इसके पहले क्या बोला गया है, उसके हिसाब से अगले लाइन का टोन क्या होता, वो आप अपनी मदर टंग में जैसे ही सोचोगे नेचुरल हो जाएगा, इजी हो जाएगा इंग्लिश में। अगर आप ब्लैंक हो जाओगे ना, ब्लैंक होना समझते हो, आपको पल्ले नहीं पड़ा पीछे क्या बोला गया, बस पढ़ दिए लाइन, तो आपका इंटोनेशन सही नहीं होगा। तो जब एक बार ये इंटोनेशन फील होने लग जाए ना, लर्निंग इंग्लिश बिकम सो मच इजियर। पीछे वाले लाइन के हिसाब से हम क्या जवाब दे रहे हैं,
Okay, fine. So the sentence was, पहले पूछा, आर देर लॉट ऑफ ऑफिस, आर देर मेनी ऑफिस, आर देर मेनी ऑफिस, तो मैंने कहा यस देर आर. तो फिर आप कैसे पूछेंगे हाउ मेनी, सवाल कैसे पूछेंगे, पूछिए. इंटोनेशन कनेक्ट करके ले जाइए. हाउ मेनी बाथरूम्स आर देयर, ओके, सो हाउ मेनी बाथरूम, आर देर मेनी बाथरूम्स, यस देर आर, यस देर आर. Shabnam, Shabnam, your mic. Is there a swimming pool? Yes. Wait, hold on, hold on, hold on. I want to help you here. Are there how many? Are there a lot of? Are there many bathrooms? Yes, there are. How many? How many bathrooms are there? ठीक है. ये how many ही हमारा main word है. उसके अलावा हम कहाँ दे रहे हैं कुछ? ठीक है. तो महसूस करिए इसको. हिंदी में भी पूछे के को है बाथरूम. तो देखिए आप बाथरूम को ज्यादा जोर से बोलते हैं या केवो को ज्यादा जोर से बोलते हो. ठीक है. तो आप समझना बिहारी के हिसाब से आप जैसे बोलते हैं तो आपका इंटोनेशन वैसे ही होना चाहिए. आर देयर मेनी बाथरूम्स, ओके यस देयर आर, हाउ मेनी, हाउ मेनी बाथरूम्स आर देयर, ऐसे नहीं जाएंगे हाउ मेनी बाथरूम्स आर देयर, ऐसे नहीं. ठीक है. हाउ मेनी बाथरूम्स आर देयर, यस हाउ मेनी आर बाथरूम्स देयर, ऐसा हो सकता है. पीछे पढ़ना चढ़ पड़ेगा, किताब लेके रात में बैठना पड़ेगा जैसे भाई बैठता था. कब कर रही हो, हाउ नहीं कर रही हो, कब शुरू करोगी, जैसे भैया बैठते थे रात में किताब लेके. जी लीजिए, इतनी सारी प्रैक्टिस करवाई थी, देखिए क्या है. हाउ मेनी आर बेडरूम्स देर, हाउ मेनी आर देर बेडरूम्स, हाउ मेनी बेडरूम्स आर देर, क्या चल रहा है. हाउ मेनी बेडरूम्स आर देयर, अगला फिर से पढ़िए. हाउ हाउ मेनी बाथरूम्स आर, मेनी बाथरूम्स आर देयर. अब आप फिर से भूल जाना. ठीक है. ये क्या था अरेंजमेंट, इसीलिए क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमें कोई भी नई भाषा सीख रहे हैं तो जितना समय देंगे उतना अच्छा होगा ना, नेचुरल बात है ये. तो आप घर पे बैठ के पढ़ेंगे किताब को, दोहराएंगे तब ना, वो किताब क्यों है आपके सामने. ओके प्लीज बेनिफिट फ्रॉम द बुक. ओके फाइन गाइस, वी आर काइंड ऑफ रनिंग आउट ऑफ टाइम. व्हाट विल यू डू एट होम. 6 मिनट. ओके आई विल टेल यू व्हाट यू विल डू एट होम. Nothing. You will just do the revision. When we meet tomorrow, then I'll help you with the next exercises. And in your free time today, when you guys are free, just do the revision. Listen to the same audio files 4.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and go through all the pages of Unit 4, maybe some pages of Unit 3 if you have time. Go through the same exercises again. You want those things here, not in the book. Everybody, whether it is Kashif, whether it is Suhani, Sanyogita Yes, ma'am as well, everybody, please. And Irshad, why don't I see your answers in the group yet? I have sent it already, sir. Have you? Oh, yes, 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 you have. Yes, you have. Thank you. Everybody, go through, Irshad's answer. Notice one thing. कि देखो वो सवाल को समझ के अपने हिसाब से, अगर उस सवाल को आप हिंदी में समझोगे और इरशाद के आंसर को हिंदी में समझोगे तो आपको लगेगा एकदम ऐसे ही तो हम भी सोचते हैं, फिर आपको वैसे ही लिखना भी होगा. ओके गॉट इट. एंड रिवीजन वर्क पर सबसे ज्यादा ध्यान दो. सोचो कि मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा, क्या सोच के कि आप ही कुछ लड़कों को यहाँ पर बहुत रिविजन करना है तो बर्डन नहीं बढ़ाते. तो आप देखो आपके पास ऐसा टीचर है जो आपके हिसाब से चल रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है आपने कितना किया रिविजन नहीं किया, मैं तो आगे बढ़ू ना, होमवर्क देना चाहिए ना मुझे अभी फटाक से, राइट. बट नो, आई एम सेइंग जस्ट डू द रिविजन वर्क एंड आई विल गिव यू होमवर्क टुमारो. फर्स्ट ऑफ ऑल डू द रिविजन वर्क बिकॉज यू वॉन्ट एवरीथिंग इन योर माइंड. सो यूनिट 4 इज अ वेरी क्रूशल यूनिट. ओके रीड द फर्स्ट द सेकेंड द थर्ड फोर्थ पेजेस, लिसन टू द ऑडियो फाइल्स एंड मे बी देर आर प्रॉब्लम्स. सो आस्क मी टुमारो इफ यू हैव कन्फ्यूजन्स लेफ्ट. ओके बिकॉज वी डोंट वॉन्ट एनी कन्फ्यूजन्स वेन वी गो फॉरवर्ड. We want clarity in our thoughts, okay? And Suhani, where is your friend?
योर टोन क्या बात कर रही हो, मालकिनी के बारे में नहीं पता कर रखा है, कहाँ है, सैलरी कौन देगा यार, वेयर इज आरती, नो आइडिया, एंड यू डिडंट मैसेज हर, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इज दिस, इफ माई फ्रेंड, आई डोंट नो अबाउट माई फ्रेंड फॉर वन डे, आई फील लाइक वेयर इज ही, आई मीन वेन आई वॉज यंग, नाउ इट डजेंट मैटर दैट मच, बट वेन आई वॉज यंग, ऑल राइट फाइन, एंजॉय योर सेल्फ एवरीबॉडी, डू द रिविजन वर्क एंड कीप वर्किंग हार्ड, एंड रिमेंबर यू आर नॉट कम्पीटिंग विद अदर पीपल, सो देर शुड बी नो फीलिंग ऑफ इंफीरियॉरिटी और सुपरियॉरिटी, जस्ट इम्प्रूव योर सेल्फ, ओके, इम्प्रूव, मेक योर सेल्फ अ लिटिल बेटर देन वॉट यू वर यस्टरडे, दैट्स इट, कीप इट सिंपल, आई सी यू गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड गुड नाइट सर. नाइट.